जन्म कुंडली का सातवां घर पार्टनर का भी होता है, बिजनेस का भी होता है, और इससे एक घर पहले छठा घर वो नौकरी का होता है। तो यदि जन्म कुंडली के अंदर छठे और सातवें भाव से संबंधित समस्याएं आ जाएं, अर्थात नौकरी में अचानक बैठे बिठाए मुसीबत आ जाए, घर में बीमारियां बढ़ने लग जाएं, पार्टनर के साथ समस्याएं आ जाए यानी कि गृहस्थी में तनाव आने लग जाए मैरिड लाइफ में, या फिर बिजनेस पार्टनर के साथ कोई इशू क्रिएट हो जाए, या फिर आपको बिजनेस में किसी प्रकार के बड़े लॉस होने लग गए हों, तो तुरंत समझ लीजिएगा कि आपकी जन्म कुंडली का छठा सातवां भाव एक्टिवेट हो गया। अब तो ये बात रही एक्टिवेट होने की, अब इसका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहला सोल्यूशन है कि आप शराब मांस अंडे का सेवन बिल्कुल त्याग दीजिए। नंबर दो उपाय, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कि आटे की गोलियाँ आप जहाँ कहीं भी मछलियाँ हों आप उनको हर शनिवार जा कर के जरूर किनें। और तीसरा उपाय होता है भगवान श्री हरि नारायण का पाठ आप अपने घर में मंदिर में बैठ करके एक फिक्स समय पर 43 दिन लगातार जरूर करें। देखेंगे कि समस्याएं अपने आप जाने लग गई हैं और आपको एक पॉजिटिव वे भी नज़र आने लग गया है।